नमस्कार विद्यार्थियों, गैसेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है आइडियल गैस इक्वेशन। आप सबने पढ़ी होगी, ध्यान दिया होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है जो कि बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम को मिलाकर निकाली जाती है। इसी तरह से एक और समीकरण के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, उसे हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। तो गैसेस के लिए दो इक्वेशंस या दो संबंध में पढ़ने में आते हैं, एक आदर्श गैस समीकरण और दूसरा काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, वो भी इसी से मिलती जुलती समीकरण है। वो क्या है? पी इंटू वी इक्वल टू 1/3 एम एन डैश सी आर एम एस स्क्वायर। ये क्या है? काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। एक गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत है, उस गत्यात्मक सिद्धांत के पोस्टुलेट्स या जो अभिगृहित हैं उनके आधार पर एक समीकरण या एक संबंध निकाला गया, वो ये संबंध है। इसी के पैरेलल अब ये जो समीकरण निकाली गई या जो संबंध निकाला गया, ये जैसे मैंने कहा कुछ पोस्टुलेट्स या कुछ अभिगृहित या कुछ स्टेटमेंट्स के आधार पर निकाला गया। इसके निकालने के बाद ये जो समीकरण हमारे पास आई, अब ये समीकरण जिन तथ्यों पर आधारित है वो तथ्य या वो पोस्टुलेट से सही है या नहीं, या ये संबंध सही है या नहीं, आज हम इसकी पुष्टि करने का प्रयास करेंगे। तो जो नॉर्मल लॉज हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाड्रो का नियम, ग्राहम का विस्तरण का नियम, यानी कुछ और गैस के लॉज यदि हम इस समीकरण से निकाल सकें, तो इसका मतलब हो जाता है ये समीकरण सही है या इसके पोस्टुलेट्स सही हैं, गैसों के बारे में जो अवधारणाएं हैं वो सही है। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर करके किस तरीके से अन्य नियमों को सत्यापित कर सकते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर ये m एक मॉलिक्यूल का, ये एक अणु का द्रव्यमान है और ये n डैश अणुओं की कुल संख्या है। सामान्यतया n को नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखा जाता है, लेकिन यहां पर हमने n डैश लिया है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की कुल संख्या को बता रहा है। तो ये m मास एक अणु का और अणुओं की कुल संख्या, इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं m इंटू एन डैश, तो ये गैस का कुल द्रव्यमान आ जाता है, एक अणु का द्रव्यमान इंटू अणुओं की संख्या। अब इस समीकरण को यदि हम ऊपर और नीचे दो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1/3 इंटू 2/2, इस तरीके से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, एम एन डैश सी आर एम एस स्क्वायर। सी आर एम एस क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। गैसेस में हम तीन तरीके का वेग पढ़ते हैं, एक सी एवरेज, सी मोस्ट प्रोबेबल और सी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहां पर जो वेग लिया गया है वो सी आर एम एस है। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, 2/3 को बाहर निकाल लें और ये बन जाता है 1/2 एम एन डैश सी आर एम एस स्क्वायर। और ये जो अंदर का समीकरण है, हाफ एम सी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा के लिए,
तो ये बन जाता है, या इसको हम कह सकते हैं समस्त अणुओं के लिए ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो ये समस्त अणुओं के लिए गतिज ऊर्जा हो जाती है। और हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा किसके प्रोपोर्शनल होती है, ताप के समानुपाती होती है। ये तो लिखते हैं गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती है, ताप के। या अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट लगा दें के डैश और टी हो जाता है, के डैश यहां पर कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर इस के स्थान पर के डैश टी को प्रतिस्थापित या रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास समीकरण बन जाता है पी वी इक्वल टू 2/3 और के डैश टी। 2/3 कांस्टेंट है, के डैश कांस्टेंट है। इन दोनों को यदि हम मिला दें तो एक दूसरा कांस्टेंट आ जाता है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, पी वी इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट जो कि इसको मिलाकर बना है के इंटू टी। अब यदि यहां पर इस ताप को हम कांस्टेंट कर लें, इस ताप को कांस्टेंट या नियतांक मान लें, तो ये राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में रिलेशन क्या आ जाता है, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, कब, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अर्थात स्थिर ताप पर पी इंटू वी कांस्टेंट होगा। ये इस काइनेटिक इक्वेशन से निकलकर आ जाता है और ये क्या है, बॉयल का नियम है। अर्थात इस काइनेटिक इक्वेशन से हम बॉयल के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये काइनेटिक इक्वेशन सही है, अर्थात इसके पोस्टुलेट्स भी सही हैं। इसी तरीके से आगे हम यदि देखें, ये जो पी वी इक्वल टू 2/3 के टी है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि V इक्वल टू 2/3 के टी और इस P को नीचे ले आए, ठीक है, K अपॉन P इंटू टी ले सकते हैं या K इंटू टी अपॉन P लिख सकते हैं। अब यदि हम इस दाब को स्थिर कर दें, कांस्टेंट मान लें, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये पूरा यहां पर पद है उसमें इस टेम्परेचर को छोड़कर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। तो इसको हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। रिलेशन क्या रह जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी या वी प्रोपोर्शनल टू टी। और ये वी प्रोपोर्शनल टू टी क्या है, चार्ल्स का नियम है, आप सब जानते हैं। अर्थात इसी काइनेटिक इक्वेशन से हम चार्ल्स के नियम को भी सत्यापित कर सकते हैं, अर्थात चार्ल्स का नियम निकाल पाना इस बात की पुष्टि करता है या इसको तो यहां पर चार्ल्स के नियम
की व्युत्पत्ति कर पाते हैं। इसी तरीके से यदि हम थोड़ा सा और आगे देखें तो एक गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए हम इस इक्वेशन को लिखते हैं पी वी इक्वल टू 1/3 एम वन एन वन डैश और सी आर एम एस स्क्वायर वन। वन यहां बता रहा है एक गैस के लिए, पहले गैस का द्रव्यमान और एक अणु का और अणुओं की संख्या और उसका वेग। दूसरे गैस के लिए यदि हम लिखें इसी इक्वेशन को तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/3 एम टू यानी दूसरी गैस के एक अणु का द्रव्यमान इंटू एन टू डैश और सी आर एम एस दूसरी गैस के लिए और इसका स्क्वायर। तो ये दो गैसेस के लिए हम ये इस तरीके से अलग अलग समीकरण लिख सकते हैं। अब यदि हम कंडीशन लगा दें कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अर्थात स्थिर ताप और दाब पर और समान आयतन हो, ठीक है, समान आयतन, ये कंडीशन अगर हम इन दोनों गैसेस के लिए लगा दें तो क्योंकि तो ऐसी स्थिति में ये दोनों टर्म्स इक्विवेलेंट हो जाती है अर्थात 1/3 एम वन एन वन सी आर एम एस वन का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 1/3 एम टू एन टू सी आर एम एस टू का स्क्वायर। अब स्थिर ताप पर दोनों गैसों की गति जुड़ जाए समान होंगी क्योंकि गति जुड़ जाए ताप पर निर्भर करती है और यदि इन दोनों गैसों का ताप समान है तो इन दोनों की गति ऊर्जा भी बराबर होगी। गति ऊर्जा बराबर होने का क्या मतलब है कि 1/2 एम वन और सी आर एम एस वन का स्क्वायर बराबर 1/2 एम टू सी आर एम एस दूसरे का स्क्वायर। कब, जबकि सेम टेम्परेचर है, ताप समान है, गति ऊर्जाएं भी बराबर होंगी, ऐसी स्थिति में हम दोनों गैसों के लिए इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कंडीशन यहां से आ जाती है, ये एन वन डैश और एन टू डैश ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे अर्थात स्थिर ताप पर और स्थिर दाब पर, जो कि हमने कंडीशन पहले ही ली है, तो स्थिर ताप और दाब पर समान आयतन के लिए दो गैसेस में अणुओं की संख्या भी समान होती है, ये अवोगाद्रो का नियम। अर्थात यहां पर जो हमने काइनेटिक इक्वेशन शुरू में लिखी है, कौन सी, पीवी इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर, इस काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस से हम बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो का नियम, ये तीनों नियम निकाल पाते हैं। इसका मतलब है कि काइनेटिक इक्वेशन सही है, उसके पोस्टुलेट्स या उसके अभिग्रहित भी सही हैं।